नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई कोरोना से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ये कोरोना भी पता नहीं क्या चाह रहा है यार। कई देशों में तो फोर्थ में बता रहे हैं कि फोर्थ स्टेज पे कोरोना पहुंच गया है। जी हाँ, अब इंडिया में भी आपको बता भाई, कोरोना के आंकड़े डाउन होने के बावजूद वापस बढ़ने लगे। बॉम्बे में, केरला में, इधर दिल्ली में बात करें तो ये आंकड़े है ना गलत है भाई, ये डरावने आंकड़े, ये समझ लो। अब सरकार है ना, पहले वाली बात नहीं है, थोड़े से भी अगर लगता है बढ़ रहे हैं तो सकता है इसे पेश आने लगती है पूरा तामझाम स्टॉप। आपने सुना होगा कुवैत में 1 महीने का आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। जी हालांकि पूरा लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लगभग लॉकडाउन की स्थिति बन गई है कि लॉकडाउन लग चुका है कुवैत में, ऐसी स्थिति बन चुकी है। तो आज हम बात करेंगे गल्फ कंट्रीज में, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, इराक वगैरह, इन कंट्रीज में इंडिया सहित कोरोना के आंकड़े के बारे में बात करेंगे भाई। कौन से देश में स्थिति क्या है और ये आंकड़े किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तेजी से, हर 7वें दिन हम इसका आकलन करते रहेंगे ताकि आपको पता रहे कि भाई आंकड़ों की स्थिति क्या है। जी हाँ, आज हम बात कर लेते हैं। देखिए 6 मार्च 2021 को आज की कंडीशन में हम बात करेंगे, 6 मार्च 2021 में इन कंट्रियों के आंकड़े क्या है, फिर 7 दिन बाद में हम दोबारा से इस पर वीडियो बनाएंगे। आप वीडियो पूरा देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो हम इंडिया की बात करेंगे। जी हाँ, इंडिया से शुरुआत होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में अगर सिस्टम सही रहेगा तो हमें आगे के देशों में एंट्री मिलेगी। अगर इंडिया में गड़बड़ है तो फिर वहां से जीरो हो, हमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो इंडिया की सबसे पहले बात करेंगे टोटल केस के बारे में, उसके बाद डेथ के बारे में, फिर हम करेंगे रिकवरी के बारे में। तो भाई इंडिया की बात करें तो बता दूं के हिसाब से, जी हाँ, तो भाई इंडिया के भी अगर बात करें तो 1 करोड़ से ऊपर पार हो चुका है। 1,11,91,864 लोगों के अभी तक पॉजिटिव केस आए गए हैं इंडिया में। जी हाँ, और इनमें डेथ की बात करें तो 1,57,693, जी हाँ, इतने लोगों की इसमें मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। और इनमें अगर रिकवरी की बात करें तो रिकवरी ठीक है भाई, एक अच्छी न्यूज है इंडिया से रिलेटेड। बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी डिफरेंस तो है नो डाउट। आगे हम बात कर ले, अगर इसमें देखें कि भाई रिकवरी की रेट देखें तो 99% रिकवरी है। जी हाँ, रिकवरी है, पेंडेंसी मतलब डिस्चार्ज उनको किया जा सकता है 99%, 1% लोग अभी तक है। अगर डेथ रेशियो की बात करें तो 1% डेथ रेशियो, यानी 1% ही लोगों की मौत हुई है, तो फिलहाल उनको देखते हुए ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं यूएई से रिलेटेड। जी हाँ भाई, दुबई का सबसे बड़ा जानना आपको जरूरी है क्योंकि अभी तो आज दुबई बची है लोगों की, दुबई जाना चाहते हैं सबके सब लोग, क्योंकि यही एक कंट्री है विजिट टू वर्क हो रहा है। बाकी तो आपको पता ही, सब एकदम लॉकडाउन लगा के सब कुछ एकदम डाउन ही डाउन पड़ा है। यूएई से रिलेटेड बात करें तो अभी तक आंकड़े 4,05,277 लोगों अभी तक लोगों को इसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए अभी तक। टोटल केस की जो बात करें और इसमें डेथ की बात करें तो बता दूं लगभग 1,300 लोगों की डेथ हो चुकी है दुबई में। और भाई दुबई में अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपको सबको पता होगा दुबई में भी, दुबई जैसी कंट्री में आंकड़े बढ़ने लग गए हैं। कहां 500-700 लोग पर डे आ रहे थे, अभी 3,000 पर डे लोग केस आ रहे हैं। कल की डेट में 5 मार्च को 17 लोगों की मौत हुई थी। जी हाँ, एक छोटी सी कंट्री में 17 लोगों की मौत कोई छोटी बात नहीं है कोरोना की वजह से। वहां पर भी आपको पता है नियम सख्त बना दिए गए हैं, आप सबको पता है इतना आसान नहीं रहा पहले जैसी मर्जी से इधर उधर घूमना वगैरह, सब कंट्रोल कर लिया गया है। अगर रिकवरी की तो बात करें तो भाई 3,89,304 लोगों की अभी तक रिकवरी हो जाती है, यानी इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 10-12 हजार जो पेंडिंग में हर बार जो बताता हूँ वही केस अभी तक है पेंडिंग है, बाकी रिकवरी कर ली गई है, अच्छी न्यूज है। आगे हम बात कर लेते हैं भाई कुवैत से रिलेटेड। कुवैत की बात करें तो भाई देखिए कुवैत पता नहीं क्या है, कुवैत में इतना आंकड़े नहीं बढ़ पा रहे, फिर भी कुवैत ने अभी कल से लॉकडाउन 7 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है। आज से लॉकडाउन स्टार्ट है कुवैत में। आप सोच लीजिए आंशिक लॉकडाउन, यानी एक तो 100% वाला होता है उसका नहीं है, लेकिन लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है कुवैत में। फ्लाइटें आपको पता है सबसे पहले से ही बंद है, तो कुवैत में आंकड़ों की ज्यादा नहीं है। अगर कुवैत की स्थिति को देखा जाए तो लगभग 2 लाख के करीब अभी तक आंकड़े आ रहे हैं, 1,58,110। जी हाँ, ये इतने आंकड़े हैं जो इन कंट्रियों से कम है। अगर डेथ की बात करें तो लगभग 1,00,113 लोगों की अभी तक मौत हुई है, मान लो 1,100+ लोगों की अभी तक डेथ हुई है, तो ज्यादा लोगों की अभी तक डेथ नहीं हुई है। रिकवरी की बात करें तो इनमें भी ठीक है भाई, 1,84,249 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। अब 84 तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 10-11 हजार का डिफरेंस है, तो ठीक है। सऊदी का और इनका दोनों, यानी सऊदी दुबई में आंकड़े ज्यादा है, फिर भी पेंडेंसी 10-11 हजार है,
और इसके आंकड़े उनसे आधे हैं, यानी कि दुबई के 4 लाख हैं, फिर भी 10,000 पेंडिंग है, इसके 2 लाख हैं, फिर भी 10,000 लोग एक्टिव केस अभी तक कोरोना के चल रहे हैं। जी हाँ, इसी को देखते हुए भाई कुवैत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसी वजह से सब कुछ लॉकडाउन कर करा के आराम से रिलैक्स मोड में खुद भी बैठे और आप लोगों को भी बैठा के रखा है। अभी हम बात कर लेते हैं सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ, सऊदी की बात करें तो मैं बता दूं 3,80,000 के समथिंग केस अभी तक टोटल केस पाए गए आए हैं कोरोना की वजह से सऊदी में, और डेथ की बात करें तो लगभग बता दूं 6,519 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। जी हाँ, इसमें रिकवरी की बात करें तो बता दूं लगभग 3,70,000 लोगों की रिकवरी की जा चुकी है। जी हालांकि कोई ज्यादा नहीं है, वही 10,000 का इसमें आंकड़ा आ रहा है। यूएई, कुवैत और सऊदी तीनों में आंकड़े पेंडिंग केस 10,000 है, बाकी यूएई में आंकड़े वैसे ज्यादा है, यूएई इस मामले में रिकवरी में ज्यादा फास्ट चल रहा है। ठीक है, सऊदी में अगर रिकवरी की बात करें तो 98% रिकवरी है या लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, यानी 2% लोग बचे हैं। डेथ रेशियो 2% है, इंडिया में डेथ रेशियो 1% है, फिर भी सऊदी में 2% डेथ रेशियो है। जी हाँ, आगे हम बात कर लेते हैं कतर से रिलेटेड, तो कतर में बता दूं 1,66,000, जी हाँ साथियों 1,66,000 लोगों की अभी तक कोरोना पॉजिटिव इसमें पाए गए हैं कतर में। डेथ रेशियो कतर में बहुत कम है भाई, अच्छी बात यह है डेथ रेशियो बिल्कुल कम है, 261 लोग अभी तक कोरोना की वजह से मरे हैं, और रिकवरी की भी बात करें तो 1,55,407 लोगों की रिकवरी हो चुकी है, लगभग 11,000 लोग अभी तक पेंडिंग है जो एक्टिव केस है ये मान सकते हैं, बाकी सबको रिकवरी कर लिया गया है। ओमान की हम बात करें तो बता दूं हालांकि ओमान छोटी कंट्री होने के बावजूद भी 1,82,896 केस अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं टोटल, और रिकवरी की बात करें तो 1,583 यानी समथिंग आप मान सकते हैं 1,600 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है कोरोना की वजह से, और रिकवरी की बात करें तो 1,33,491 लोगों की अभी तक रिकवरी हो चुकी है, यानी वही 11,000 का आंकड़ा यहाँ पे आ रहा है। पेंडिंग केस हैं जो एक्टिव केस जिनको बोल सकते हैं वो 11,000 आंकड़ा आ रहा है यहाँ पे। कतर और हम बात कर लेते हैं कतर और ओमान में सिमिलरिटी क्या है, कतर में बता दूं 1,66,000 केस पे 261 लोगों की मौत हुई है, ठीक है, और ओमान में 1,42,000 केस में 1500 लगभग 1600 लोगों की डेथ हुई है, यानी आंकड़े कम होने के बाद भी कतर की तुलना में बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे मरे हैं कोरोना में, कतर में 261 है, यहाँ पे 1600 लोग मरे हैं, इतना डिफरेंस आ रहा है आंकड़ों का। आगे लास्ट में बात कर लेते हैं बहरीन से रिलेटेड। जी हाँ, बहरीन में बता दूं 1,85,514 लोगों की अभी तक कोरोना की पॉजिटिव पाए गए हैं, एक्टिव केस थे उनमें से, रिकवरी की उसमें बात कर लें डेथ रेशियो की तो डेथ रेशियो 468 यानी समथिंग 470 लोग इसमें मान सकते हैं जो कोरोना की वजह से अभी तक जिनकी डेथ हुई है। रिकवरी की बात करें तो 1,18,301 लोगों की रिकवरी इसमें की जा चुकी है। जी हाँ, तो ज्यादा नहीं है, 8,000 का एवरेज आ रहा है, यानी जितनी भी कंट्री है ना इंडिया को छोड़ के 5-6 कंट्रियां हैं दुबई कतर मस्कत बहरीन कुवैत में, सब में 10-11 आंकड़ा आ रहा है। अब पता नहीं जानबूझ के सबने सेटिंग कर रखी है कि इससे ऊपर चढ़ना ही नहीं है, जिनमें 4 लाख एक्टिव केस थे उसमें भी 10,000 एक्टिव आ रहे हैं, जिसमें 1,25,000 है उसमें भी इतने आ रहे हैं, ये क्या है ये तो चलो हालांकि एक संयोग हो सकता है, इसको हम गलत नहीं मान सकते इन आंकड़ों को, सरकारी डाटा है ये, वो मैंने आपको बताया है। ये भाई देख लीजिए 7 कंट्रियों का मैंने आपको डेटा बता दिया, इराक का मैं बताने वाला था लेकिन इराक का थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं इसलिए आपको नहीं बताऊंगा, हो सकता है आपको गलतफहमी हो जाए या तो दिक्कत हो जाए, तो मैं नहीं चाहता उसका मैं आपके सामने डेटा शेयर करूं, आगे कोई उसकी पुख्ता रिपोर्ट आती है तो मैं जरूर शेयर करूंगा। बाकी 6 कंट्री प्लस इंडिया के मैंने आपको आंकड़े बता दिए हैं भाई, इसमें अब आने वाले 7 दिन के बाद में हम और तुलना करेंगे, इसी जो आंकड़े बताए ना इनके आगे मैं और तुलना बताऊंगा कि भाई 6 मार्च को इन कंट्रियों के इतने आंकड़े थे, उसके बाद में 12 मार्च को इनके आंकड़े कितने बढ़ गए, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, क्योंकि ये आंकड़ों पे डिपेंड करेगा कि आपको इंडिया का इंडिया में रहना है या दुबई का दुबई में रहना है या इन कंट्रियों का वहीं का वहीं रहना है, ये आंकड़े ही आपको सब कुछ आपके डिपेंड करेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।